नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रीवा में हेड कांस्टेबल ने थाने में युवक को चांटे मारे, उससे कहा जिंदा गाड़ दूंगा, घर से उठवाकर नहर में फिंकवा दूंगा, पता नहीं चलेगा तेरा, बेटे से कहकर यही मरवा दूंगा। मामला 20 सितंबर को समान थाने का है। पुलिस ने युवक को बाइक चोरी मामले में खात्मा रिपोर्ट देने के लिए बुलाया था। युवक ने बुधवार को एसपी विवेक सिंह से इसकी शिकायत की, मोबाइल से बनाया गया वीडियो भी दिया। वीडियो देखने के बाद एसपी ने आरोपी हेड कांस्टेबल हेमंत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया है। समान थाना इलाके के रहने वाले प्रियांशु कुशवाहा ने बताया, दिसंबर 2023 में नई बाइक चोरी हो गई थी। इसकी शिकायत थाने में की थी, किस्त भी भर रहा हूं। उम्मीद थी कि पुलिस बाइक खोज लेगी, लेकिन आज तक बाइक नहीं मिली, न ही आरोपी गिरफ्तार हो सका। प्रियांशु ने बताया, आखिर में बीमा क्लेम के लिए पुलिस से खात्मा रिपोर्ट मांगी, पुलिस चक्कर लगवा रही थी। इसी सिलसिले में 20 सितंबर को हेड कांस्टेबल हेमंत शुक्ला को कॉल किया, पहली बार नहीं रिसीव किया तो दोबारा लगाया। दूसरी बार में कॉल रिसीव करते ही हेड कांस्टेबल भड़क गए, उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। गुस्से में मैंने भी खरी खोटी सुना दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने थाने आने के लिए कहा। मैं शाम को थाने पहुंचा। काफी देर बाद हेड कांस्टेबल शुक्ला आए, नाम बताते ही गालियां देते हुए चांटे मारे, जिंदा गाड़ने की धमकी भी दी। प्रियांशु ने कहा, मारपीट की आशंका के चलते मैंने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। हेड कांस्टेबल गालियां देते हुए लगातार जान से मारने की धमकी दिए जा रहे थे। एसपी विवेक सिंह ने कहा, वीडियो में पुलिसकर्मी फरियादी से अभद्र व्यवहार करता दिख रहा है, उसे सस्पेंड कर दिया है, मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।